हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर आईटीआई फर्स्ट ईयर का, जितने भी छात्र आईटीआई फर्स्ट ईयर से यहाँ पर किसी भी ट्रेड से वो कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल, इस तरह के यदि आप ट्रेड से करें फिटर को छोड़कर, तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल का क्वेश्चन है और पेपर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो छात्र पिछले साल के हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहा जाएगा कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिए गए ब्लॉक का ऑर्थोग्राफिक व्यू फ्रंट और यहाँ पर साइड आपको लिए बनाने के लिए कहा जाएगा, जिसका जो यहाँ पर फिगर आपके सामने यहाँ पर दिया गया, इसी में से आपको इसका आंसर बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पेंसिल की और यहाँ पर सेट स्क्वायर, जो कि मेन है। बिना सेट स्क्वायर का आप इसका आंसर की नहीं बना सकते, क्योंकि सेट स्क्वायर की सहायता से आप इसका आंसर की बना सकते हैं और अच्छी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो साथियों, इसका कैसे बनेगा आप सबसे पहले इसको देख लीजिए। तो थर्ड एंगल में जो यहाँ पर बनेगा इसका, कुछ इस प्रकार का बनेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, स्क्रीन शॉट भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। और यहाँ पर आपको हर एक चीज़ की, आपको जो आपका लंबाई चौड़ाई और जो हाइट रहेगा, सब कुछ आपका एमएम में रहेगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया जो कि इस प्रकार का पूछा गया। टोटल यहाँ पर 5 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 देखने को मिलते हैं और कभी कभी 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा साथियों क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इन सभी का आपको फ्री हैंड स्केच, मतलब कि बिना आपको स्केल की सहायता से या ज़्यादातर इसमें इंस्ट्रूमेंट बिना प्रयोग किए आपको इसका बनाना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर आसान तरीका आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसका बनाइएगा, इसमें जो आपको कहा जा रहा है कि डबल एंड स्पैनर और इसके बाद बॉल पिन हैमर का, तो इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले आप इसको बनाएगा, ये आपका आसान है, जिसको आप व्यवहारिक भाषा में रिंच बोलते हैं, तो इसका आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका आसान है, ये आपका जो होता है थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ को लिखना पड़ता है। इसमें भी आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है दांत, दांते इसको बोला जाता है। और यहाँ पर जो होता है साथियों, इधर आप देख सकते हैं जो बीच वाला भाग, इसको क्या बोला जाता है, इसको हैंडल, मतलब पकड़ने वाला भाग होता है। बाकी सेम यहाँ पर और यहाँ पर दांते इसको बोला जाता है। और यहाँ पर जब आ जाएंगे, ये जो आपका आ जाता है बॉल पेन हैमर, ये इसमें इस भाग को हेड बोला जाता है, नीचे वाले को फेस बोला जाता है, ई होल हेड बोला जाता है, और यहाँ पर इसको पिन बोला जाता है, और ये जो है इसका नेक बोला जाता है, और पकड़ने वाले भाग को हम हैंडल बोलते हैं। ये आपका हो जाता है किस चीज़ का, बॉल पेन हैमर का। इसमें इसी चीज़ का बनाने के लिए कहा जाता है, कभी कभी आपका क्या होता है फाइल का भी बोल देता है, मतलब कि जिसका रेती जिसको बोला जाता है उसको भी बनाने के लिए कहा जाता है, तो वो भी आपका अच्छा होता है, वो भी ईजी होता है, उसको भी आप बना सकते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कुछ इस प्रकार का पूछा जाएगा कि ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि वेल्डिंग टॉर्च बनाइए, दूसरे नंबर पे आपसे कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रोड होल्डर बनाइए। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसका जो वर्कशॉप में आपने देखा होगा, काफ़ी इजी इजी है और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। यदि 1 बार 2 बार या 3 बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको आसान तरीका से बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा यहाँ पर टफ नहीं है, बस आपको यहाँ पर इसका प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि समय कम है, तो आप सबसे पहले एक सेट स्क्वायर की आप व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद स्केल की नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल और रबड़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आसान तरीके से आप इसको बना पाएंगे। ये जो होता है आपका वेल्डिंग टॉर्च, ये जो है आपका इस वेल्डिंग टॉर्च का है आपका फिगर है, जो कि इसमें फिगर इसका बनाया गया है, बिल्कुल फ्री हैंड है, लेकिन ये बनाया गया है जो कि प्रिंट किया गया है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसके जो आगे वाला जो भाग होता है इसको हम वेल्डिंग टिप बोलते हैं, और ये जो भाग होता है इसको यहाँ से जो भाग होता है इसको मिक्सिंग हम चैम्बर बोलते हैं, और ये जो भाग होता है यहाँ से इसको टॉर्च बॉडी बोला जाता है, और ये जो भाग होता है इसको हम ऑक्सीजन कंट्रोल वे बोलते हैं, और यहाँ से आपका O2 CO2 इसमें जाता है, और ये आपका हो गया जिसको हम वेव बोलते हैं, कंट्रोल वेव आपका होता है। ये आपका जो पूरा ये सब चीज़ मिलकर जो बनता है उसको बोला जाता है वेल्डिंग टॉर्च। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे 2 क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि तीसरे नंबर पे 2 चीज़ का बनाने के लिए, एक आपका वेल्डिंग टॉर्च का और दूसरे नंबर पर आपको इलेक्ट्रोड होल्डर देखने को मिल जाता है। तो जो इलेक्ट्रोड होल्डर होगा वो आपका जो बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। ये जो आपका भाग होता है इसको हैंडल बोला जाता है,
और बाकी आपका हेड सीट बोला जाता है, इलेक्ट्रोड ओपनिंग बोला जाता है, एक वो इंसुलेटर बोला जाता है, जा स्प्रिंग और लीवर बोला जाता है। तो ये सब आसान चीज़ है, आपने इसका प्रयोग किया होगा तो आसानी से आप इसको सोच समझ कर बना सकते हैं, ये काफ़ी ईजी है। अब ये जो सबसे जो टफ आता है वो आपका आता है, और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ये ज़्यादातर पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन।